हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मिताज गुड लाइफ। और मैं हूँ स्मिता। तो टुडेज वीडियो इज ऑल अबाउट हाउ यू डेकोरेट योर फॉयर एरिया ऑन अ लो बजट। अ फॉयर इज एन एंट्री वे। इट इज द स्पेस और अ हॉलवे लीडिंग टू अ फ्रंट डोर। थिंक ऑफ अ फॉयर एज अ लॉबी ऑफ द होम। इट्स अ रिसेप्शन एरिया वेयर होस्ट कैन वेलकम एंड ग्रीट देयर गेस्ट, and guests can shed their coats and rob their purses. Basically, a dedicated space for a foyer is known as a traditional foyer, and this space is furnished with a console table for a storage and a mirror and some seating. But nowadays, in a modern foyer, which is also known as a makeshift foyer, is ideal for compact homes that doesn't have a dedicated space for a foyer. Installing a partition in the living room near the door can work as a foyer, and this is what I have done. मेरा भी foyer area बिल्कुल उसी तरह से है, बस अपनी living area के दरवाजे के जो पास वाला space है उसे मैंने अपना foyer area बनाया है। As you can see, यहाँ पे मैंने अपना shoe rack रखा है और shoe rack के ऊपर ये सारे जो आर्ट इफेक्ट्स हैं जो मैंने थोड़े थोड़े रखे हैं, पेंटिंग है राधा कृष्ण का, और एक छोटा सा ट्रे है जिसमें मैंने एक बुद्धा का हेड, कैंडल, लैंटर्न और एक आर्टिफिशियल प्लांट रखा है। बिकॉज ये जो एरिया है मेरा, यहाँ पे बिल्कुल भी इनडायरेक्ट सनलाइट भी नहीं आता है, तो मैं कोई भी नेचुरल प्लांट्स यहाँ पर नहीं रख सकती, तो मुझे आर्टिफिशियल प्लांट्स ही यहाँ पर रखना पड़ता है। और ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये जो ट्रे हैं, मैंने सारी चीज़ें मोस्टली ऑनलाइन ही मंगवाया है। आप मेरे प्रीवियस वीडियोस में, मेरे चैनल में सारे जो यहाँ पे प्रोडक्ट्स यूज्ड हैं, मैंने सारे के हॉल वीडियोस बनाया है। अगर आप देखना चाहें तो मेरे चैनल पे जाके मेरे हॉल में ये सारे प्रोडक्ट्स को आप देख सकते हैं। एंड दिस इज़ बेसिकली माई फॉयर एरिया। जैसा कि आप देख रहे हैं नीचे, ये जो शू रैक है ये भी मैंने DIY किया है। मेरा शू रैक थोड़ा ओल्ड हो गया था तो मैंने उसे वॉलपेपर से एक फ्रेश लुक दिया है। एंड दिस इज द बोहू लुकिंग माई वॉल पेंटिंग। ये भी मैंने ऑनलाइन ही मंगवाया है, ये भी मेरे वीडियोस में आपको मिल जाएगा। एंड दिस इज वेरी वेरी चीप, मतलब कि कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है। एज आई टोल्ड यू, मेरे टाइटल से ही पता चल गया होगा कि फोर एरिया डेकोरेशन ऑन अ बजट, लो बजट। और ये मिरर तो बेस्ट पार्ट है इस फॉयर एरिया का। जैसे कि मैंने बताया कि मिरर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन अ फॉयर एरिया, बिकॉज इट गिव्स द लुक ऑफ अ वाइडर लिविंग रूम। वो मिरर रहने से कोई भी स्पेस या उसके आसपास का स्पेस थोड़ा सा बड़ा दिखता है। और बस उसी के नीचे मैंने ये काउच रखा है। ये काउच भी मैंने ऑनलाइन ही मंगवाया है, ये मैंने फ्लिपकार्ट से मंगवाया था, ये भी मैंने अपने वीडियोस में दिखलाया है। और उसके नीचे जो ये राउंड रग है, दैट इज़ आल्सो आई हैव परचेज्ड ऑनलाइन। इसके भी लिंक्स आपको, अगर मैं कोशिश करूँगी कि मैं सारे प्रोडक्ट्स के लिंक मैं इस वीडियो में आपको दे दूँ डिस्क्रिप्शन में, अगर मैंने कोई भी प्रोडक्ट मिस भी किया तो प्लीज़ आप मुझे रिमाइंड कर देना, आप मैं उसे बता दूंगी और ऐड भी कर दूंगी। एंड दिस टेबल, साइड टेबल, दिस आल्सो आई हैव ऑर्डर्ड एंड आई हैव परचेज्ड फ्रॉम अमेज़ॉन। और उसके ऊपर जो ये प्लांटर रखा है, ये प्लांटर भी मेरा ऑनलाइन ही है। और फिर मैंने इसमें थोड़े से आर्टिफिशियल प्लांट्स रखे हैं। एज आई टोल्ड यू कि यहाँ पर बिल्कुल ही सनलाइट या इनडायरेक्ट सनलाइट नहीं आता है, तो मैं यहाँ पे आर्टिफिशियल प्लांट्स ही यूज़ करती हूँ। और जो ये मेरे फॉयर एरिया के ऊपर का पार्ट है, यहाँ पे मैंने ये रोप लाइट जो यूज़ किया है, और सिर्फ ये रोप लाइट और नीचे जो मेरा एक फाउंटेन है, बस उसी के लाइट से मैंने ये फॉयर एरिया का शूटिंग किया है। एंड इट लुक्स सो अमेजिंग, इतना कोजी इफेक्ट देता है ये लाइट्स। और ये जो मेरा फाउंटेन है, ये तो खैर इसका बेस्ट पार्ट है मेरे फॉयर एरिया डेकोर का। And this is the whole look of my entryway decoration। जैसा कि आप देख रहे हैं, बस पास से ही
वो दरवाज़ा है जहाँ पे कर्टन्स लगा है और उसके एक पार्ट में मैंने अपना फॉयल एरिया बनाया है और मैंने उसे कुछ इस तरह से डेकोर किया है। शू रैक के ऊपर जैसा कि आप देख रहे हैं जो जो मैंने यूज़ किया, ग्लू यूज़ किया है, एंड दिस इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ माई फॉयर एरिया। ये जो फाउंटेन है और इससे जो पानी गिरती है और इसके साथ जो वो आवाज़ आती है ना, दैट इज़ द बेस्ट पार्ट। इतना अच्छा फील होता है यहाँ पे, तभी मैंने इस फॉयर एरिया को एक अच्छा सा कॉर्नर का भी लुक दे दिया है, एक विंग चेयर लगा कर। और ये मेरा फेवरेट कॉर्नर भी बन गया है घर में। और आज का वीडियो मैं यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय, टेक।